अगर मैं पैसे दे के अगर मैं आगे बढ़ रखा हूँ, काबिलियत नहीं होगी, तो मेरे द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जो कि लड़के के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल मिल पाता है। मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे पढ़ने का, तो हर एक बच्चे का फ्यूचर ब्राइटनेस होगा। मतलब श्योर है कि जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे होंगे, बेटर होंगे। खाली पेट भजन नहीं हो सकता, वो जरूरी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अभी चल रही है साइंस की क्लास। लेकिन अभी साइंस वाले सर जा रखे हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, क्लास में। और मेरी क्लास सुबह हो चुकी है, तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौन, नरेंद्र गुरु जी, नए सर आ चुके हैं। तो भाई साहब, आज आप क्लास के लिए आ चुके हैं यहाँ पे, तो कैसा महसूस हो रहा आपको? अच्छा महसूस हो रहा साहब। अच्छा, और दूसरा आजकल एक चीज और सुनने में आ रहा है, जैसे यूके SSSC है ना, उसमें बहुत सारे मुद्दे उछल रहे हैं कि वहाँ पे मतलब काफी घोटालाबाजी चल रही है, उसके बारे में भी कुछ कहना चाह रहे हो आप? अब वो तो है ही, घोटाला तो पूरे उत्तराखंड में ही है, हर सरकारी डिपार्टमेंटों में है, इवन ये प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी है। हाँ, इवन प्राइवेट में भी है, सब जगह हुई है ही। आज की डेट में लाइजेन है, पैसा दो तब जाके कुछ मतलब आप डिग्री या इस तरीके से हासिल कर सकते हो, सरकारी नौकरी पा सकते हो, तो सब यही खेल रह चुका है आज की डेट में बस। इसलिए तो हमारे उत्तराखंड के ये हालात हैं। तो मतलब ये कुछ बता सकते हो कि कैसे ये घोटाले कम हो? ये घोटाले वैसे कम हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रशासन शासन अगर एक अपने आप ही सही डायरेक्शन में हो पहले तो। अब हमारे जो प्रशासन अधिकारी हैं, वही तो सबसे पहले तो किसी को पैसे देने की या उसको आश्वासन देने की कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा, इतना लाख रुपए इतना पैसा पड़ेगा, अगर ये चीज़ें हट जाएं प्रॉपर, सही कर्मचारी, सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने अपने काम के वैल्यू दें, अपने काम को समझें, टाइम टू टाइम काम करें और सही काम करें, तो शायद से ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन कोई भी आदमी आज गेट में अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार तक और अपने सैलरी इनकम तक ही रह चुका है, सीमित रह चुका है बस, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो क्या होना चाहिए? अभी जैसे बात आ रही थी कि SSSC में 15-15 लाख गए हैं वहाँ पे घूस, मतलब अब गए हैं तो राज्य का यही तो मतलब एक वो है, दुर्भाग्य है कि अगर हम 15-20 लाख दे के अगर हम सरकारी नौकरी पे लग जाते हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट की क्या हालत होंगी। अगर मैं पैसे दे के अगर मैं आगे बढ़ रखा हूँ, तो श्योर है कि मेरे में उतनी काबिलियत नहीं है। काबिलियत नहीं होगी तो मेरे द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। अब अच्छे नहीं होंगे तो अपना आप ही राज्य पीछे हटता जाएगा, ना कि आगे प्रोन्नति करेगा। अच्छा, चलो ये तो रही उसकी बात। तो अभी यहाँ पे जो यूथ फाउंडेशन में क्लासेस चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी कैसे चलना चाहिए, क्योंकि हमें 10 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। नहीं, क्लासेस बढ़िया चल रही थी, 2014 से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे पढ़ाना, और लड़के समथिंग लगभग 100+ तो रहते ही हैं, हमेशा ही रहते हैं, एक आइडिया भी है, तजुर्बा भी है, पहले ज़्यादा रहते थे, अनुभव भी हो चुका है। आज की डेट में पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे यूथ फाउंडेशन कर्नल कोठार जी का जो प्रशिक्षण कैंप है, उसमें पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जो कि लड़के के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल मिल पाता है। आप सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक उसको इंगेज किए रहते हैं, हर समय पढ़ाई। और फिर एक लड़के, बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पे, समथिंग 60-65 लड़के हैं, तो उनमें एक कंपटीशन की भावना भी आ जाती है। जैसे कि एक लड़का दूसरे लड़के को देख के कि ये हाईएस्ट मार्किंग कर रहा है, रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर ला रहा है, तो मुझे भी इसकी तरह करना चाहिए, या उसके पास बैठ के उससे कुछ सीखे, या उसको देख के कुछ सीखे। लेकिन श्योर है कि कहीं ना कहीं सभी लड़कों में एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। तो लड़के इस माहौल की वजह से भी यहाँ पे मैक्सिमम जो आज तक जो भर्ती हुए हैं, तो कारण ही यही रहा है। बाकी अगर मैं टीचरों की बात करूँ, पढ़ाने की बात करूँ, तो और टीचर भी अपना पूरा 100% एफर्ट लगाते हैं, पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ से भी आर्मी GT में जो जो प्रश्न आते हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं, तो अभी शायद से 8-9 सालों से ये अनुभव हो चुका है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी टॉपिक से मैक्सिमम टीचर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये सही रहता भी है, क्योंकि अगर जो लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एक आइडिया हो ही जाता है क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, तो निकलने के ये भी कारण है। बाकी अनुशासन है,
और पढ़ाई के लिए अगर 24 आवर में से अगर हम 15 घंटे 17 घंटे 18 घंटे अगर पढ़ाई कर रहा है लड़का, तो श्योर है वो निकलेगा ही। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर जैसे हम लोग पहले से ही इस तरीके से तैयारी करें अपने आप को, मैक्सिमम टाइम दे पढ़ने का, तो हर एक बच्चे का फ्यूचर ब्राइटनेस होगा, मतलब अच्छा फ्यूचर होगा। और पढ़ाई में भी अगर आपने बोला है कि आज डेट में आयोग में अगर इस तरीके से लोग पैसे दे के जा रहे हैं सरकारी नौकरियों में, अगर पैसे न दे के बल्कि इस तरीके से पढ़ाई करें पहले से ही, तो श्योर है कि जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे होंगे, बेटर होंगे। अभी मतलब मेरा कहने का मतलब यह है ये, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने घर को भी चलाना है, तो इसमें मतलब कुछ कह सकते हो? ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। सर देखो, होता क्या है कि पैसा, अगर हम बोलते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट की मान्यता तब तक है क्योंकि खाली पेट भजन नहीं किया जाता, खाली पेट भजन नहीं हो सकता है। अब जैसे हम लोग हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने के लिए टीचर रखे हुए हैं, सैलरी आना ना आना वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन कम से कम हमारे बारे में सोचना वो ज़रूरी है। ठीक है, पैसा है नहीं है, एक प्राइवेट संस्था है, एक सेवा कर रहे हैं, पैसा है नहीं है वो मान्यता नहीं रखता है, लेकिन कम से कम बताना चाहिए कि पैसा नहीं है, अभी नहीं है, इतने मंथ बाद पैसा मिल जाएगा, या अगर है तो थोड़ा बहुत। अगर जैसे हम लोग आज गेट में, हमारे भी घर परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, हमारे बारे क्योंकि हम लोग तो चलो ठीक है यहाँ पे हैं, हमारे लिए है खाना पीना है, लेकिन जो हमारे घर के लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिस वजह से हम यहाँ पे, तो हमारी सैलरी ही होनी चाहिए कम से कम। तो कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम बाद हमारा पैसा आ जाए और हम अपने घर को सुचारू रूप से चलाएं। दोस्तों अभी आ चुका हूं मैं यहां पे, जो पुल है हमारा मैथाना पुल की तरफ, और यहां पे पावर हाउस है ऊपर की तरफ, ये देख सकते हो। और पावर हाउस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पावर हाउस है पूरा, और ये आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। टर्बाइनें अभी दिख नहीं रही ऊपर की तरफ, लेकिन टर्बाइनें पूरी दिखाऊंगा। बाकी ये नदी देख सकते हो आप, और ये है अलकनंदा नदी, और ये पानी ऊपर की तरफ से छूट रहा है यहाँ से, ये पावर हाउस है। तो गाइस पावर हाउस गए थे, थोड़ा सा घूमने वगैरह गए थे, और उसके बाद रूम पे आया, फिर नहाना धोना हुआ, उसके बाद खाना खा करके, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके, फिर बाद में क्लास वगैरह चलानी पड़ती है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो आज हमारे साथ नए सर भी जुड़ चुके हैं, और जो कि हैं नरेंद्र सर, और अभी थोड़ा सा बाहर जा रखे हैं। और भाई साहब बहुत तेज की बारिश लगी हुई है बाहर, और तेज की बारिश लगने के कारण वो कहीं रुके हुए हैं, शॉप पे रुके हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी। तो बाकी दोस्तों आप ये भी देख यहाँ पे देख सकते हो कि ये कपड़े भी यहाँ पे डाल दिए हमने, क्योंकि बाहर बारिश लग गई है, तो ये थोड़ा बहुत सूखे थे और बारिश के कारण गीले हो गए, फिर दोबारा यहाँ पे डालने पड़े हैं हमें सुखाने के लिए। तो क्योंकि कपड़े भी हमारे पे कम है यहाँ ला रखे हमने, क्योंकि जल्दबाजी में हम कैंप में आए हैं, और इसलिए। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मेरी नरेंद्र सर से बात भी हुई, थोड़ा UK SSSC के बारे में हुई, और थोड़ा सा यहाँ यूथ फाउंडेशन के बारे में बात हुई थी, तो वो भी आपने देख लिया होगा। तो बाकी अभी थोड़ी देर में हम खाना खाने जाएंगे, और फिर साथ में लड़कों का सेल्फ स्टडी भी चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा चेक करना होता है हमें। तो बाकी दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और लाइक जरूर करें दोस्तों। नीचे रेड कलर का जो बटन आ रहा होगा उस पर आप सब्सक्राइब जरूर करें।